जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें हम विज्ञापन सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 27,000 नई भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से जारी है। लगभग सारे पिछले मामलों का भी निस्तारण हो चुका है और कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे तदर्थों के मामलों का भी निस्तारण हो चुका है। ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, बहुत ही जल्द जो फैसला है वो भी सुना दिया जाएगा। वही एलटी ग्रेड भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ही जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कार्य बहुत तेजी से जारी है शासन के दबाव में, और इन्हीं भर्तियों के संबंध में आपका जो बड़ा संदेह है, आयु सीमा साथ ही कला विषय की योग्यता को लेकर, उसको हम दूर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष, वहीं टीजीटी पीजीटी के लिए 21 से अनलिमिटेड, यानी कि कोई लिमिट नहीं होती है यहाँ पर। वहीं अब अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो देखिए दोनों ही भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता लगभग सेम होती है, लेकिन जब बात आती है कला विषय की, तो यहाँ पर दोनों ही भर्तियों के लिए जो योग्यता है उसका मानक अलग अलग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए कला या फिर ललित कला विषय के साथ, और प्लस यहां पर शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की भी डिग्री आप सभी के पास होनी चाहिए, तभी आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कला विषय से आवेदन कर सकते हैं। वहीं अब अगर हम बात करें जो है टीजीटी के लिए, तो देखिए टीजीटी के लिए मानक बिल्कुल भी अलग होता है, यहां पर बीएड की अनिवार्यता नहीं होती है। तो देखिए इसके लिए तमाम सारी अलग अलग योग्यताएं देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें पीजीटी कला की, तो इसके लिए अगर आपने इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय या फिर लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर जो है प्राविधिक कला विषय के साथ अगर आपने इंटरमीडिएट किया था, और इसके अलावा अगर आपके पास ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए की डिग्री है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा है और प्लस यहाँ पर प्राविधिक कला के साथ इंटर है तो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा निकाली तो भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें टीजीटी कला के लिए, तो देखिए इसके लिए अगर आपने जो है प्राविधिक कला के साथ मात्र इंटर किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहां पर जो है प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल किया है और साथ ही ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो फिर इंटर प्लस बॉम्बे आर्ट है तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो जो है इस हिसाब से यहाँ पर कला विषय की योग्यता रखी जाती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।